सियाम के दिल फरेब दिल शगुफ्ता शब रोज हर हर गुजरते लम्हे में इबादतों और जिक्र अज़कार की हलावतों को पा लेने की तमन्ना। आह जो खुशा लम्हात गुजर गए, माह मुबारक का वो दिन जो हमसे जुदा हो गया। ऐ काश उन्हीं गुजरे लम्हों में होने वाली निकियाँ फिर से मैसर आ जाएं, तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम मदनी चैनल 1434 सन हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एहतिकाफ़ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का मोतकीफीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकीफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी की सआदत हासिल करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का बाद नमाज ज़ुहर और बादस तरावीह रोज़ाना दो मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्ब इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला और दीगर महके महके सुन्नतों भरे सिलसिले। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दिन 12 बजे हमदे बारी ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से नशरियात का आगाज हुआ, उसके बाद सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा हुआ। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसीब सलीम है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा का नाम अज़रा परवीन है। हमारे घर में रोजगार की इतनी तंगी हो चुकी है, यकीन करें कि दिन ब दिन जो सा है परेशान होते जा रहे हैं। आप मुझे मेरा इस्तहारा करके बता दीजिए कि मेरा क्या मसला है, ये बंदिशें क्यों है और मैं क्यों इतना तंग हो गया। हमारे मोहम्मद हसीब भाई, आपने जो अपना मसला बयान फरमाया कि घर में रोज़गार की तंगी है और काफ़ी आजमाइश है, रोज़गार के असबाब नहीं बन पा रहे, तो इस हवाले से हसीब भाई आपका इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में बज़ाहिर कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह ऐसा कोई मामला बिल्कुल आपके साथ नहीं है। इस्तिखारे में सिर्फ कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से वक्ती तौर पर आजमाइश है। और ये भी इशारा आया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द आपकी आजमाइशें दूर हो जाएंगी और घर के हालात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ रूहानी इलाज भी आप समाप्त फरमा लीजिए। हसीब भाई आपको चाहिए कि आप कसरत के साथ इन अस्मा का विर्द कीजिए, इन तस्बीहात का विर्द कीजिए। या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम। कसरत के साथ इन तस्बीहात का वर्द कीजिए। और ये रूहानी इलाज ऐसा है हसीब भाई, इसके बारे में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया ने फरमाया मदनी पंचसूरा के बाद फैज़ान औराद में कि जो कसरत के साथ इनका वर्द करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो खुशहाल होगा और इन तस्बीहात के साथ दुआ करने से दुआएं भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होती हैं। मेरा नाम मंसूर अहमद है, मैं जरूर शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। हमको बुकी में पत्थरी है, इसलिए हमको मेहरबानी करो इलाज से बताओ। अल्लाह तबारक व तआला इनको गुर्दे की पत्थरी से निजात अता फरमाए। इन्हें चाहिए कि पारा 16 सूरतुल कहफ की ये आयत नंबर 109, पारा 16 सूरतुल कहफ की आयत नंबर 109, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لو كان البحر مدادا لكلمات ربي। बाद नमाज फ़जर 3 अदद सादी चीनी की प्लेटों पर जर्दे के रंग से ये आयत जो अभी पढ़कर सुनाई गई, ये लिखिए। चीनी की जो प्लेट होती है उसमें फ़जर के बाद इसके लिखने का वक्त है। फ़जर के बाद 3 प्लेटों पर ये आयत जो पढ़कर सुनाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लव कानल बहरु मिदादल कलिमाति रब्बी। अच्छा, इसमें आराब ज़ेर ज़बर पेश वगैरह लगाने की हाजत नहीं, अलबत्ता इतना एहतियात करनी है कि दायरे वाले हरूफ के दायरे खुले रखें।
एक प्लेट तो उसी वक्त पी लें, अब रमज़ान मुबारक में इसको आप सहरी के वक्त, जैसे सुबह का वक्त हमारे यहाँ जिसकी जब आँख खुलती है उसके नज़दीक वो सुबह होती है, तो ऐसा नहीं होता। आधी रात ढले से लेकर, आधी रात के बाद से लेकर सूरज की पहली किरण चमकने तक ये सुबह का वक्त होता है। तो किसी वक्त में सहरी के 3 बजे 4 बजे के आसपास पाकिस्तानी औकात के मुताबिक ये 3 प्लेटें आप लिख लें, एक प्लेट तो उसी वक्त पी लें, और फिर रोज़ा जब मुकम्मल हो जाए, जब अख्ताम सहरी हो जाए तो रोज़े की नियत वगैरह कर लीजिए। अच्छा, दूसरी प्लेट आप चाहें तो इफ्तार के वक्त पी लें, और तीसरी प्लेट फिर रात के वक्त पी लें। रमज़ान के अलावा इसके औकात सुबह के वक्त एक पीनी है, एक दोपहर को और फिर एक रात को। इसकी मुद्दत इलाज 40 दिन है। अच्छा, ये आयत लिखेंगे तो बावजू लिखेंगे और इसको बावजू ही पीने की तरकीब बनाइएगा। अच्छा, फिर यही आयत इसे चाहें तो किसी कागज़ वगैरह पर लिख कर रैगजीन या चमड़े में सिलवा कर इसे आप बांध लें। इस्लामी बहनें जिनके इस्लामी बहनों के गले अगर पथरी हो तो वो अपने गले में, और इस्लामी भाई अपने सीधे बाजू पर बांध लें, तो इंशाल्लाह इससे शिफा हासिल होगी। फिर सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें पेश किया गया। ख्वाबों की ताबीर ये हमारा सिलसिला है। ख्वाब एक पुरसरार हकीकत है, और जब बंदा ख्वाब देखता है तो उमूमन चाहता है कि उसकी कोई ना कोई ताबीर मुझे मिले, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन मिले कि मैंने जो देखा है उसका मतलब क्या है। और उमूमन ख्वाबों की ताबीर हुआ करती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ख्वाब की ताबीर नहीं भी होती। ख्वाबों की ताबीर इसके मुजीद और सबसे पहले जो इसके वाज़े हैं ये हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वालेही सलातो वस्सलाम हैं, जिनको सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने यह इल्म अता फ़रमाया और फिर उन्होंने इस इल्म को दुनिया में मुरव्वज किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे प्यारा मालूम हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, चाहिए कि इस पर अल्लाह ताला की हमद बजा लाए और लोगों के सामने बयान करे। ख्वाब एक बहुत ही बाबरकत मामला है और इसे बिशारतें भी कहा जाता है। इल्म ताबीर में यूँ तो बड़े बड़े उलमा रब्बानियीन गुजरे हैं, इस इल्म में दस्तरस रखने वाले बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, बिलखसूस औलिया इकराम में से 6 औलिया को इस इल्म में बहुत ज़्यादा मुस्तनद और बतौर सनद पेश किया जाता है, जिनमें से हज़रत दानियाल, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह तआला, हज़रत इमाम जाबिर मगरबी, हज़रत इमाम इब्राहिम किरमानी और हज़रत इमाम इस्माईल बिन अशअस रहमतुल्लाह तआला अलैहि मजमाईन। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ख्वाब भी एक किस्म की वही है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले को उस भलाई या बुराई से मुतले कर देता है जो उसको पहुँचने वाली होती है, ताकि वो शख्स दुनिया में मगरूर ना हो जाए और खुदाए जुलजलाल के हुक्म से गाफिल ना रहे। बाद नमाज ज़ुहर तिलावत कलाम पाक को हदिया इनात के बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुम अलिया का अवामुन्नास के लिए रुश्तो हिदायत पर मबनी मदनी मलफूजात से सजा मदनी मुज़ाकरा हुआ, उसके चंद मनाज़िर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जो नफली एतिकाब में रमज़ान मुबारक के हैं वो ये ज़हन में रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूरा रमज़ान मुबारक का एतिकाफ भी साबित है। तो ज़ाहिर पूरे रमज़ान का एतिकाफ उसी सूरत में होगा कि बिला ज़रूरत आप खारिज मस्जिद नहीं जाएंगे। अब बाज़ लोग बाहर भी जाते होंगे, दुकानों पे भी घूमते होंगे, हो सकता है कि आगे भी निकल जाते हों, तो ये जहन में रखें कि आप मस्जिद के, जैसे अगर ये मदरसा है जामियतुल मदीना की इमारत आलमी मदनी मरकज़ में, या यहाँ जो मकातिब बने हुए ऑफिस इनमें भी जाएंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। फिर ये कि वापस जब मस्जिद में आएंगे तो एतिकाफ़ की नियत करनी होगी, वरना फिर एतिकाफ़ नहीं होगा आपका,
शुरू नहीं हुआ ना तो नियत नहीं करेंगे तो, क्योंकि वहाँ जाने से टूट गया आपका, या मस्जिद से बाहर निकल गए तो टूट गया, तो फिर वो के पूरे महीने का होगा भी नहीं इस तरह आप बाहर निकलेंगे तो इसलिए आपको बाहर निकलना नहीं है मस्जिद। और ये इस वक्त जो अंदर बैठे ना छत के नीचे, ये आईने मस्जिद है, इसका सवाब ज़्यादा है। और जो खुला आसमान है यहाँ आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में, तो ये आईने मस्जिद नहीं है, ये फिनाए मस्जिद है। तो इसलिए एहतिकाफ करना है तो मस्जिद के अंदर रहिए, ये इतने बस, ये जो ये चारों तरफ मुंडेर बनी हुई है ना, ये इस बात की अलामत है कि ये मस्जिद, ये मुंडेर भी मस्जिद के अंदर है, मुंडेर से बाहर जो है वो फिनाए मस्जिद है। तो वहाँ भी कोशिश करें कि आप ना ही जाएं मस्जिद के अंदर, अगर आप सवाब कमाने आए तो, मतलब मज़े लेने आए तो फिर आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सवाब कमाने के लिए आए तो अंदरून मस्जिद रहें। ये जो मचान है मेज़नाइन फ्लोर, ये मस्जिद है, ये भी आईने मस्जिद है, इसमें भी वही सवाब मस्जिद का है जो यहाँ नीचे आप बैठे हुए ये। अलबत्ता पहले मस्जिद में नमाजी जब पूरे हो जाएं सफ़े, दीवारों तक ये सफ़े पूरी किया करें हमेशा, हर मस्जिद में दीवार तक सफ़ होती है। बाज़ लोग ये कि अभी पहली सब में जगह होती है, दूसरी तीसरी चौथी शुरू कर देते हैं, खुसूसन बड़ी मस्जिदों में, तो पहली सफ़ जब तक मुकम्मल ना हो जाए, या अगली सफ़, अब पहली भर गई है तो दूसरी सफ़, तो जब तक दूसरी या तीसरी जो भी अगली सफ़ है वो मुकम्मल कोने तक ना भर जाए, इससे पहले बाजमात नमाज पढ़ते हुए पीछे नमाज शुरू कर देना जानबूझकर, ये गुनाह है, ये जहन में रखिए। मेरा एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ एहतियात बॉक्स रखा हुआ है, तो लोग हम जो कस्टमर आते हैं दवाइयाँ लेने, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये नफली सदका, ये नफली चंदा क्या होता है, तो हम सही उनको मुतमईन नहीं कर पाते। तो प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये ज़कात फितरा इसमें नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो वाजिबात, वो सदक़ात वाजिबा हैं वो। अब ये अवाम वाकई नफली में कन्फ्यूज होते होंगे, क्योंकि नफल में वो आमतौर पर सुना होता, तो नफल नमाज, वो नमाज में ही सुना होता है, ज़्यादातर रोज़े में सुन लिया होगा। शायद इसमें लिखा भी होता है कि इसमें ज़कात फितरा ना डालें, तो ये कि ये ज़कात फितरा या जितने भी वाजिब सदक़ात हैं, इनके अलावा जो आम तौर पर लोग डोनेशन देते हैं, ये नफली कहलाता है। मदनी इल्तिजा है कि कोई ऐसी सूरत बनाए कि तमाम हलकों में सब शरीक होते रहें, क्योंकि आप यहाँ ज़ाहिर सीखने के लिए आए, तो जितने भी हलके होते हैं, फजर में भी होता है, जोहर की नमाज के फौरन बाद कुछ फ़र्ज उलूम के सिलसिले का ऐलान हुआ था। पापा हुआ भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल स्क्रीन पर मैंने देखा, ये अंदाज़ ही बड़ा प्यारा हमने इस बार हमारे अहमद भाई ने लिया, प्रैक्टिकल बाबा तरीका बता रहे थे। जोहर से पहले भी कुरान पाक सीखने के हवाले से हलकों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये क्या आपने फैसला किया ये सारे हलके और अटेंड करेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह अपने सामान की हिफाजत कीजिएगा, अपनी जेबों की हिफाजत कीजिएगा, यहाँ ये सब ओलिया किराम जमा नहीं होते। अब यहाँ चोरियाँ होती ना, तो यहाँ चीटर भी आते होंगे, या आपको बोलेंगे मेरा बैग चोरी हो गया, मैं वो सरदाराबाद से आया हूँ, अब तो टिकट के पैसे भी चले गए, पासपोर्ट गुम जाएगा, शनाख्ती कार्ड मांगोगे तो वो गुम गया होगा। मेरे पास एक बार तो एक बड़ा यादगार है, मैं आया हैदराबाद से हूँ, आया हैदराबाद से हूँ आपका नाम सुनकर, मगर हूँ मैं यूके या पता नहीं कहाँ का बता रहा था, तो वो मेरे साथ यूँ हो गया। बहुत पुरानी बात, दावत समय शुरुआत के दौर होंगे, तो मैंने उसको याद पड़ता, मैंने बोला अच्छा यार पासपोर्ट दिखा है, ज़रा यूके के वीज़े की ज़्यारत कर लूँ मैं। अब ये यूके का, इसको ये भी नहीं पता होगा कि लंदन यूके में, यूके लंदन में, क्या पता इसको, तो वो कहाँ से पासपोर्ट लाएगा, भगा दिया मैं। तो यूँ आपको वो आटियाँ पूरी मारेगा, आप भी थोड़ा टाइट रहना, अपनी रस्सी के बल खुलने नहीं देना। इसको भी जवाब देते हैं ना कि अब जब तेरा सब गायब हो गया ना, अब तू जल्दी से मेरे सामने से गायब हो जा। नहीं, अपने थाने में चलते हैं, तरकीब बनाते हैं, वो आपकी एफ आई आर कटवा लेते हैं, आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, फिर आपको आप देख लो थाने में आता है कि नहीं आता है।
हराम खाते हैं, जहन्नम की आग पेट में भरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मरने के बाद ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, दुनिया में भी जिल्लत है, पकड़े जाते हैं तो इसी मारे खाते हैं ये। तौबा करें, जिस चीज़ का छीना है उसको वापस दें और आइंदा के लिए इससे बचें, अगर कोई ऐसा करता है तो और मुझे सुन रहा है तो अल्लाह से डरें। मदनी मुजाकरे के बाद आपने मुलाहजा किया दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा। मन सल्ला अलैया फी यौमिल जुमअति वल्लैलतिल जुमअति मियत मर्रा कदल्लाहु लहू मियत हाजतिन सबईना मिन हवाइजिल आखिरा व सलासीना मिन हवाइजिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं, जो जुम्मा के दिन और जुम्मा की रात यानी शबे जुमा, जुमारात की रात मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है। अब उन 100 हाजतों के बारे में क्या फरमाया, 70 हाजात आखिरत की और 30 हाजात दुनिया की। मजीद फरमाया, सुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलकन يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته عندي في صحيفة بيضاء। मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरी कब्र पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मुतय्यन फरमाया है, जो उस दुरूद को मेरी कब्र में लाकर इस तरह पेश करेगा जिस तरह तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं। जो मुझ पर दुरूद भेजता है, फरिश्ता मुझे उसका नाम, उसका नसब, उसका कबीला, उस सब की खबर देता है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर मैं अपने पास उसे एक रोशन सहीफे में लिख लेता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार का जो एक गदा है, दरबार का जो दरबान एक फरिश्ता है, उसकी समाअत का आलम यह है कि दुनिया के कोने में पढ़ने वाला, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बाबुल मदीना कराची हो, यहाँ से बंदा दुरूद पढ़े, फरिश्ता उसे मदीने में सुन लेता है। ना सिर्फ सुन लेता है बल्कि ये भी पहचान लेता है कि किसने पढ़ा है, उसके वालिद का नाम क्या है ये भी पहचान लेता है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है ये भी पहचान लेता है। तो बताइए, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबान की समाअत का आलम ये होगा तो मेरे आका की समाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका की पहचान का आलम क्या होगा। जब ही तो हम कहा करते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हर आशिक रमज़ान के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये मुबारक महीना फिर अता फरमाया, जिसकी हर घड़ी रहमत भरी है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, दोज़ख़ को ताले लगा दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। ऐसा मुबारक महीना रब्बे करीम ने हमें फिर अता फरमाया। माहे रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त अहदीस कराम के मफहूम के मुताबिक 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। As-salatu was-salamu alayka ya Rasool Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah, La ilaha illa Allah, La ilaha illa Allah, Allahu, 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 Allahu। Iftar ke waqt तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर है मौला, कि जबान से तेरा शुक्र अदा करें कि तूने हमें फिर ये मुबारक महीना अता किया। अशराए रहमत हमारे दरमियान है, हमने ये सुना है मौला, अहदीस में पढ़ा है मालिक, कि इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। वो गुनाहगार जिन पर गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुका है, रब्बे करीम गुनाह करके, खताएं करके मुजरिम शर्मिंदा शर्मिंदा तेरे दरबार में हाजिर है बोला, 10 लाख बख्शे जाने वाले हैं मालिक, हम तो बहुत थोड़े हैं, हमें बख्श देगा मौला तो तेरी रहमत में कोई कमी ना होगी मालिक। गुनाहगार रुगुमेदाई के जहन्नम हो करम।
سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا. قرآن پاک کی دوسری سورت سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بیان کیا, بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے, کتنے سخت, پتھروں کی طرح, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ پتھروں سے پانی بہ نکلتا ہے اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان دلوں سے نہ پانی نکلتا ہے, نہ آنسو بہتے ہیں, نہ ان دلوں پہ اثر ہوتا ہے, نہ ان پر قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں, نہ ان پر وعد و نصیحت اثر کرتی. تو دلوں کی یہ سختی یہ بڑی خطرناک ہے, دلوں کی یہ سختی بڑی شدید ہے, اور دل کا ایسا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ناپسندیدہ ہے. پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو چند احکامات دیے وہ بیان فرمائے, اور وہ احکام وہ ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے. ان میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے, والدین سے اچھا سلوک کیا جائے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے, یتیموں سے اچھا سلوک کیا جائے, مسکینوں سے اچھا سلوک کیا جائے, اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو, اور فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ وہ سارے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ارشاد فرمائے, اللہ ہی کی عبادت کی جائے, شرک نہ کیا جائے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور مسکینوں کی مدد کی جائے, اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے. گفتگو کرنے کا سلیقہ ہو, گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو, وہ بات کی جائے جو لوگوں کی خوشی کا باعث بنے, ایسی بات نہ ہو جو لوگوں کے دل دکھائے, جو انہیں تکلیف دے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے, جو مسلمان گالی نہیں دیتا, جو مسلمان ایزا نہیں دیتا, جو مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا. یہ ہمارے قرآن اور ہمارے دین کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر ان کی قوم نے جو کچھ کیا کچھ اس کا بیان کیا گیا. پھر بنی اسرائیل کا مجموعی طرز عمل بیان کیا کہ بہت سے نبیوں کو شہید کیا. اور پھر ایک اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی غلطی, جو وہ خوش فہمیوں کا شکار رہتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جنتی تو ہم ہی ہیں, جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا, اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے چلے جائیں گے, لیکن باقی جنت میں ہم نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلط فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت کے اندر اللہ کے نزدیک جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے کہ تمہیں ہی جنت ملنی ہے, تو پھر اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو, پھر تمنا کرو کہ مر جائیں, کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, کبھی روزگار کمانے کے لیے, کبھی روزگار ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا, نوکری پہ جانا پڑتا ہے, سیٹھ کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے, سارا دن دھوپ میں, چھاؤں میں, گرمی میں, سردی میں, اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر, اور جنت تمہیں ملنی ملنی, اور تم نے جنت میں جانا ہی جانا, تو پھر اتنی مشقت والی زندگی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ موت کی تمنا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا, اس کے بعد پھر جو تمہارا انجام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کو چیلنج تو ہے کہ موت کی تمنا تو کر کے دیکھو, لیکن ہوگا کیا, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ ہرگز ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں. ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں, ان کے خود پتہ ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں. ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, بھی ہم تو ہیں جنتی, ہم نے تو جانا ہے جنت کے اندر. تو ان سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جب آپ نے جنت میں ہی جانا ہے تو ادھر کیوں بیچاروں مشقتیں اٹھا رہے ہو, موت کی تمنا کرو, تمہیں موت آ جائے تو اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھ لینا کیا ملتا ہے. لیکن ایسے لوگ دنیا کے اندر کبھی موت کی تمنا نہیں کریں, وہی دنیا کمانے میں, وہی سارے کاموں میں لگے رہیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کی خام خیالیاں اور خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے,
उसकी रहमत की उम्मीद भी हो और उसके अजाब का डर भी हो। रहमत से ना उम्मीद होना ये भी गलत, और अल्लाह के अजाब से निडर हो जाना, बेखौफ हो जाना ये भी गलत। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फहम अता फ़रमाए और कुरान के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले के बाद आपने मुलाहजा किया मुबल्लिग़ दावत इस्लामी निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िलोल आली का मुनफरिद सुन्नतों भरा सिलसिला मदनी फूलों की मदनी महक। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के रोज़ अपने असहाब के लिए शफ़ी होकर आएगा, यानी शफ़ाअत करेगा कुरान। अब कुरान हमें पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें कुरान को सीखना है और कुरान को हमने समझना है। कुरान की एक अपनी फसाहत और अपनी बलागत है। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान कुरान पढ़ते, लेकिन कुरान को फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर समझा करते थे। तो कुरान पाक को समझना है, तफसीर को भी समझना है, मगर दुरुस्त तफसीर समझनी है और दुरुस्त अंदाज से समझना है। मुफस्सिर हमारी समझ के मुताबिक कुरान और हदीस ही से निकालकर और दीगर कुतुब से निकालकर हमें बताता है कि इससे ये मुराद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद में बग़ैर इल्म कुछ कहा उसे अपना ठिकाना दोजख समझ लेना चाहिए। तो अब गौर कीजिए कि हम बैठे हुए हैं कुछ लोग, नहीं नहीं अल्लाह ने यूँ फरमाया है, नहीं नहीं अल्लाह ने यूँ फरमाया है। अरे अल्लाह ने ऐसा थोड़ी को कहा है भाई। इस तरह की डिस्कशंस हम करते हैं, कुरान पाक में यूँ है तो अल्लाह ने यूँ फरमाया है, कुरान में यूँ लिखा हुआ है, कुरान में यूँ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कब कहा है अल्लाह ताला ने, यूँ करके हमारी डिस्कशन होती होती नहीं होती। अब ये जो इस तरह की जो हम लोग गुफ्तगू करते हैं, हमको आता जाता क्या है? कुरान दुरुस्त तक तो पढ़ना नहीं आता और हम कहते हैं कुरान यूँ कुरान यूँ कुरान यूँ, हमें वाकई कुछ नहीं आता, हमने कोई ना सीखा ना समझा ना पढ़ा। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, एहतियात करनी चाहिए और जिस बात का इल्म नहीं है उस बात में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की किताबों से मकसूद उनके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना है, ना फ़कत ज़बान से भी तरतीब इनकी तिलावत करना। इसकी मिसाल ये है कि जब कोई बादशाह अपनी सल्तनत के किसी हुक्मरान की तरफ कोई ख़त भेजे और उसमें हुक्म दे कि फलां फलां शहर में उसके लिए एक महल तामीर कर दिया जाए, और जब वो ख़त उस हुक्मरान तक पहुँचे तो वो इसमें दिए गए हुक्म के मुताबिक महल तामीर ना करे, अलबत्त उस ख़त को रोज़ाना पढ़ता रहे, तो जब बादशाह वहाँ पहुँचेगा और महल ना पाएगा तो ज़ाहिर है कि वह हुक्मरान इताब बल्कि सज़ा का मुस्तहिक होगा, क्योंकि उसने बादशाह का हुक्म पढ़ने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया। तो कुरान भी इसी खत की तरह है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो दीन के अरकान जैसे नमाज रोज़ा वगैरह की तामीर करें और बंदे फकत कुरान मजीद की तिलावत करते रहें, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल ना करें, तो उनका फकत कुरान मजीद की तिलावत करते रहना हकीकी तौर पर फायदा मंद नहीं। तो कुरान मजीद में जब अहकाम लिखे गए सर, हमें उस पर अमल करना है ना कि रब ताला ने ये फरमाया ये फरमाया ये फरमाया, ये करो ये करो ये करो ये नहीं करो। तो तिलावत ना करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पास हमारे रब का कलाम है, कुरान मजीद है, फुरकान हमीद है, इसमें शिफा है, इसमें बरकत है, इसमें क्या नहीं है, इसमें हिदायत है, हम इसको लें, इसको पढ़ें और इसको समझें, अपना वक्त निकालिए। ज़िंदगी की कदर अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए कि ये महज धूप में ना जले, यानी वही बर्फ़ अगर पानी में डाल दी जाए तो ये अपना फ़ायदा देगी नहीं, और यही बर्फ़ अगर धूप में यूँ ही रख दी जाए तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी, फिर इसी बर्फ़ को अगर शराब में डाल कर ठंडा कर तो इस बर्फ़ का क्या इस्तेमाल किया। ये जो साल गुजर गया ना, इस पर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, हम अपनी इस उम्र की कदर करें कि उम्र बड़ी तेज़ी के साथ गुजरती जा रही है। कुरान उठाइए, कुरान को पढ़िए, ज़िंदगी के मकसद को हम समझें कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और हम क्यों दुनिया में भेजे गए, हमें क्यों पैदा किया गया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो माह रमज़ान अल मुबारक है,
इसको अच्छे अंदाज से गुजारिए, खूबसूरत अंदाज से गुजारिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी शाहिद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुल्ली हाल। हाजी शाहिद, कैसे हैं आप? करम अल्लाह रसूल का, इस दस्तरखान पर बैठे हम तो खाना भी तकरीबन खा चुके। वो मदरसतुल मदीना बालिगान मुझे याद आ रहे थे, आप वो माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ने समझने की तरगीब दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का अर्ज कर रहा हूँ कि 5,000 से जायद मदरसतुल मदीना बालिगान मौजूद हैं और 5,000 से जायद मदरसतुल मदीना बालिगात जिसमें इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों को पढ़ा रही हैं वो मौजूद हैं। माशाल्लाह। और मदरसतुल मदीना जो बच्चे और बच्चियों के मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के 1448 रजब की कारकर्दगी के मुताबिक। अल्लाह मजीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को 6 ज़ाहिरी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बावजू होकर, क़िबला रू होकर, मुअद्दब होकर यानी बाअदब होकर, इज्ज़त और इंकिसारी के साथ, तवाज़ो और इंकिसारी के साथ बैठे कुरान पढ़ने के लिए। आहिस्ता पढ़े और इसके मायनी में गौर व फिक्र करें। तिलावत कुरान करने में जल्दबाजी से काम ना लें। दौरान तिलावत रोना भी चाहिए और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लें। हर आयत की तिलावत का हक बजा लाए। अगर किराअत से रियाकारी का अंदेशा हो या किसी की नमाज में खलल पड़ता हो तो आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करें। जहाँ तक मुमकिन हो कुरान पाक को खुश इल्हानी के साथ पढ़ें, अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ें। और उसके 6 जो बातनी आदाब हैं, बातनी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, वो ये हैं। कुरान मजीद की अजमत दिल में बिठाए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले अल्लाह ताला की अजमत दिल में बिठाए और ख्याल करे कि ये किस अजीम ज़ात का कलाम है और वो किस भारी काम के लिए बैठा है। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त दिल को हाजिर रखे, इधर उधर ख्याल ना करे, बुरे ख्याल से दिल को आलूदा ना करे और जो बेख्याली में पढ़ चुका उसे असर नौ तवज्जो से पढ़े। हर हुक्म के मायनी में गौर व फिक्र करे। अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़े और अगर किसी आयत के पढ़ने से लज्जत महसूस हो, बड़ा खूबसूरत मदनी फूल है ये, अगर किसी आयत के पढ़ने से लज्जत महसूस हो तो उसे फिर पढ़े कि ये दोबारा पढ़ना ज़्यादा तिलावत करने से बेहतर है। और पढ़ते रहें और सोचते रहें कि मेरे रब्बे करीम ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैसे आदाब बयान किए। इनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊँची ना करो, इनसे आगे कदम ना बढ़ाओ और इनको यूँ ना पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अब सोचते रहेंगे, गौर करते रहेंगे और अजमत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजीद आपके दिल में पैदा होती चली जाएगी। कहीं कयामत का बयान आएगा, कहीं रहमत का बयान आएगा, कहीं अल्लाह ताला अपने बंदों से या अय्युहल्लज़ीना आमनु इरशाद फरमा रहा होगा। कैसा लुत्फ आएगा। कुरान मजीद पढ़ रहे हैं ना, लज्जत लें। अरे कुरान पढ़ने में भी अगर लज्जत नहीं मिलेगी, लज्जत मिलेगी कहाँ फिर यार। इसको जैसे इसको सीरियस से लगाएं यार, ला इसका नूर मेरे सीने में दाखिल कर, मेरे दिल में दाखिल कर। इसको आँखों से लगाएं, इसको सर पर बैठा कि ये कुरान, इसकी अजमत, इसकी मोहब्बत, इसके अहकाम हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे रुए रुए में ये इसके अहकाम बस जाएँ। वो कहते दिल बीच ठंड पै गई हैं, तब इसको कुरान को देखे तो जैसे कि दिल में ठंडक आ जाए, मजा आ जाए, सुकून आ जाए, लज्जत आ जाए। और जब इस तरह कुरान पढ़ेंगे ना और जब इसको बंद करेंगे, आपको बहुत आप अपने को कंफर्ट फील करेंगे, बहुत आरामदेह फील करेंगे, बहुत पुरसकून फील करेंगे। मैं जाती आपको तजर्बा अर्ज करता हूँ, मुशाहदे अर्ज करता हूँ कि बहुत परेशानी के आलम में जब आप कुरान खोल के बैठें और उसको पढ़ें, जहाँ से भी खोल लें पढ़ें, रब का कलाम है और पढ़ें, तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ें, साथ खजान इरफान पढ़ें, ये सिराजुल जिनान पढ़ें, नूर इरफान पढ़ें और पढ़ के इसको बंद कर दें। अब तजर्बा करके देखिए, आपको आपकी मुश्किलात हल होती ना नज़र आए तो कहिएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आयात का मजमून तब्दील होता रहे उसी तरह मजमून के मुताबिक दिल की कैफियत भी बदलती रहे और कुरान के रंग में रंगती जाए। कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करे कि गोया ये कुरान अल्लाह ताला की बारगाह से सुन रहा है और ख्याल करे कि अभी उस जात की जानिब से सुन रहा है। जी मैं जफर इकबाल रावलपिंडी से बोल रहा हूँ।
ابھی بیان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی محافل میں ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا یا قرآن مجید میں یہ کہا یہ نہیں کہا, تو گویا اگر ہم کوئی قرآن مجید میں کوئی بات پڑھتے ہیں تو کیا اس کو آگے پہنچانا نہیں چاہیے؟ نہیں, پہنچانا چاہیے, لیکن وہ بات جو قرآن مجید میں لکھی ہے اس کی تفسیر دیکھ لیں. اور میں تفسیر صلاۃ الجنان کا یا خزان عرفان کا, دور عرفان کا مشورہ دوں گا کہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی, اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا, پھر اس کی تفسیر کو دیکھ لیجئے, کیا وہ تفسیر اس موضوع کے مطابق ہے اور وہ صحیح طور پر آپ کو یاد ہے. پھر بہتر اس میں عمدہ طریقہ یہ ہے, کیونکہ قرآن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ پہلے کسی عالم سے بات کر لیں, رابطہ کر لیں کہ میں اس طرح اگر کر سکتا ہوں تو کیا میں اسے کر لوں, تاکہ ہم مطلب وہی بات کریں جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے, ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اشرہ رحمت نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ اے کنز الایمان, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. رب کی رحمت کے قربان, اس آیت رحمت میں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ موت کے وقت تک قبول فرماتا ہے. اس رحمت بھری آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے, چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں چھوٹے ہوں یا کبیرہ ہوں یعنی بڑے گناہ ہوں. ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو, درختوں کے پتوں, ریت کے ذروں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو, یہ مغفرت عام ہے. چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو, یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو, انبیاء کی شفاعت سے ہو, مقربین کی شفاعت سے ہو, فرشتوں کی شفاعت سے ہو, حاجیوں کی شفاعت سے ہو, شہید کی شفاعت سے ہو, علماء کی شفاعت سے ہو, یا بغیر کسی کی شفاعت سے, محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہو. مغفرت کے کیا معنی ہیں سنیے سمجھیے. مغفرت کے معنی ہیں عذاب کو اٹھا لینا, عفو کے معنی ہیں گناہوں کو مٹا دینا, اور رحمت کے معنی ہیں ثواب عطا فرمانا. بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو. مفتی اعظم ہند عاجزی کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں, اور اس کی بارگاہ میں عاجزی ہی پسندیدہ ہے کہ میں بد ہوں. اللہ کیا بہت بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, مفتی ابن مفتی ہیں, اور کیسی عاجزی کر رہے ہیں. بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو, میں بد ہوں, میں گناہ گار ہوں, یا اللہ مجھے نیک بنا دے. بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, تیری رحمت کی امید ہے اے عفو. عفو کا مطلب معافی دینے والا. تیری رحمت کی امید ہے اے عفو, کہ ارشاد قرآن لا تقنا تو. اللہ 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 جل جلالہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی, یہی آیت رحمت, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. مکے والوں نے کہا, سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو ہم کیسے ہجرت کریں؟ ہم کیسے اسلام لائیں؟ ہم نے تو بتوں کی عبادت کی ہے، اور جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ہم نے تو ان کو بھی قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت رحمت نازل فرمائی اور بتایا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ ہم نے دار المدینہ کھول کر ان کو خالی خالی راضی کیا ہے، الگ کہ بھائی دنیاوی تعلیم کا اٹریکشن، کہ یار چلو تمہاری دنیا تمہاری دنیا دنیا تمہاری دنیا دھائی دنیا ہوئی دنیا کرتے ہوئے ہم ان کے دل میں دین داخل کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ دماغ میں دین داخل کر دیتے ہیں بچے کے، کہ یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ، اچھا اے بی سی ڈی 1 2 3 یہ بھی سیکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بکرا جب وہ خشک چارہ نہیں کھاتا نا تو وہ ہرے چارے میں مکس کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ کئی دوائیں خصوصاً دیسی جڑی بوٹیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، تو آپ نے ماجون کبھی دیکھا ہے؟ دیسی جڑی بوٹیوں کا ماجون، اس میں شہد تقریباً شہد لازم جوس ہے اس کا، شہد کیوں ڈالتے ہوں گے؟ شہد کے اپنے فوائد ہیں، لیکن یہ کہ اس کی کڑواہٹ کو بھی دب جائے، کہ شہد کی آڑ میں کڑوی جڑی بوٹیاں کھا جائے، اس کی بیماری کا علاج ہو۔ تو اس لیے ہم نے دار المدینہ کو بولا کہ چلے اے بی سی ڈی کے شوقین آ جاؤ یار، 1 2 3 کے شوقین آ جاؤ، مگر ہم مدینہ مدینہ کرنا بھی سکھائیں گے اس کو، کر رہے ہیں اپنے دونوں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے مقابلے میں دار المدینہ کو پذیرائی زیادہ ہے کہ اس میں 1 2 3 اور اے بی سی ڈی ہے، یعنی امت کی حالت پر افسوس 7 کروڑ افسوس ہے کہ انگلش کی کشش پر، تھوڑی انگلش کی کشش دی یہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور تعریفوں کے پل باندھنے لگے، یہ آتے ہیں تو اس میں بھی طرح طرح کے تاثرات میں سنے ملے، تو ایسی پذیرائی کرتے دار المدینہ کی، تو میرا ذہن ایسا نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، یہ قوم کی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ساری دنیا اے بی سی ڈی سکھانے پر لگی ہوئی ہے نہر، سبھی تو یہ دنیا پڑھا ہی رہے ہیں، ہم صرف دین پڑھاتے ہیں، لیکن اب مجبوری ہے، وہ آتے نہیں اس طرف، یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھوکا مر جائے گا، کوئی مولانا بھوکا نہیں مرتا، جتنے تعلیم یافتہ بھوکے مرتے نا، تعلیم یافتہ آپ کو ایک سے ایک بے روزگار ملیں گے جو گریجویٹ ہوں گے، مولانا آپ کو کم بھوکے ملیں گے، اتنے نہیں ملیں گے، اگر ہوگا بھی تو وہ واویلا نہیں کرے گا، وہ دنیا دار واویلا کرتا ہے۔ اچھا پھر آپ خودکشیاں دیکھ لیں، اب ایک میں برسوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک عالم دین کا نام لا کے دے دو مجھے، ایک عالم دین ہو، علم دین کا عالم، اس نے خودکشی کی ہو، آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے، ابھی تک کوئی نہیں لایا، اور دنیا بھی پڑھے لکھے روز نہ جانے کتنے خودکشیاں کرتے، وہ علم دین کی روحانیت ہے، خودکشی نہیں کرنے دیتا علم دین اس کو، حفظ قرآن اس کو خودکشی نہیں کرنے دیتا جس کے سینے میں واقعی قرآن ہے، اور دنیاوی تعلیم کان پکڑ کے کسی کو دریا میں ڈبو دیتی ہے، کسی کو پنکھے سے لٹکا دیتی ہے، کسی کو گلے میں پھندا پہنا دیتی ہے، کیا کہوں میں، یہ کہوں تو بھی برا لگتا ہوا، تو آپ بتا دو کوئی ایک عالم دین ہماری برادری کا لے آؤ، کہ جو مطلب ہے کہ مولانا کوئی جس کو لوگ مولانا بولتے ہوں، اور وہ علم دین کا مولانا، اور اس نے خودکشی کی ہو، کبھی بھی نہیں لا سکتے، پڑھے لکھے تو مجھے اس کی دلیل کی حاجت نہیں ہے، وہ اخباروں میں آتا ہی رہتا ہے، ان سے بھی مجھے ہمدردی ہے، جو خودکشی کرتے ہیں مسلمان وہ حرام کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی مغفرت کرے، ہم ان کے لیے بالکل یعنی کہ میرے کو ہمدردی ہے، ان کی نماز جنازہ بھی جائز ہے، پڑھنی چاہیے، اس سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، اصال ثواب بھی کرنا چاہیے اس کو۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے نا وہ دین کی طرف کم ہو گیا، تو یہ تحفے ہیں ہمارے، تحفے ہیں یا سزائیں ہیں کہ طرح طرح کی جو مصیبتیں داخل ہو گئیں نا دنیا کی وجہ سے، اس میں خودکشی بھی ہے، پہلے یہ باتیں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں، بلکہ پاکستان بنا تب بھی خودکشی عام نہیں تھی، اب نہیں پاکستان کے پوری دنیا میں خودکشی عام ہوتی جا رہی ہے، جتنا ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے نا دنیاوی
मतलब एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, ये बोलते हैं कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, खुदकुशियाँ बढ़ती जा रही है, नहीं कोई मेरी बात का रद्द कर दे तो मैं बैठा हूँ। ये दुनिया की नवसत है, साइड इफेक्ट है इसका, दुनिया की मोहब्बत का। दीन से मोहब्बत करें, इल्मे दीन पढ़ें, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं। अरे मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, हर खानदान में कम से कम एक तो आलिम हो यार, जो आपको मसाला बताए, आपको आपका जनाजा ही पढ़ा दे। क्या बात है मदीने। अच्छा जनाजा तो डरेंगे ना, ये जनाजा पढ़ाएगा तो चलो कोई और पढ़ा देगा, जनाजा तो होगा ही, अल्लाह करे जनाजा पढ़ाया जाए, वरना तो मार के जंगलों में आजकल फेंक देते हैं, गटर में डूब जाते हैं लोग, नाले में बहा देते हैं लाशों को, जनाजे के भी ठिकाने नहीं होते। या वो डॉक्टरी सीखने वालों के अच्छे अगर कोई बदनसीब चढ़ गया, चीर फाड़ कर उससे सीखते हैं डाइसेक्शन, और फिर उसका वो जो भी मलगोबा है वो गड़ा खोद के दाब देते हैं। ये सब पता है मुझे, देखे हुए मैंने ये इस तरह के मुझे मामला देखे मुझे। तो ये तो अच्छा कि जनाजा भी कोई पढ़ाए, अल्लाह करे नेक आदमी पढ़ाए, जनाजा नेक पढ़ाए, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती लोगों की। हालांकि ये ख़ास अल्लाह की बारगाह में सिफारिश का वक्त है, सिफारिश का ये मौका है, और ये इसमें तो नेक परहेजगार तरीन जो बंदा हो ना उसको आगे बढ़ाया जाए कि वो जनाजा पढ़ाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतनी इतनी दाढ़ी होती है, बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म के लोग ये हमारे यहाँ इदारों में होते हैं, बस वो खुदा जाने क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, कोई पढ़ने परवाह भी नहीं होती ना। औलाद में तो ऐसा कोई होता नहीं है जो बाप का जनाजा पढ़ा सके, ना बाप मरा तो बेटे को सिखाया था, उसको वही ABCD सिखाया था, तो वो क्या जनाजा पढ़ाएगा, और जनाजा पढ़ना ही नहीं आता उसको, जनाजे में क्या पढ़ा जाता है। सलाम भी फेरता तो क्या वो यूँ देखता है साइड में कनखियों से, हाँ सलाम फिर रहा है तो यूँ हाथ करेगा, तो यूँ हाथ करेगा, तो यूँ भूल के कर लेगा, तो पता नहीं कैसे जनाजा पढ़ा जाता है, सिखाया नहीं आपने, क्या होगा आपका, गुसल कौन देगा, वही गस्साल किराए का, आपने थोड़ी गुसल सिखाया, सिखाया किसी को कि आपके घर में कोई मैयत को आपकी औलाद भी आपको आखिरी मंजिल पहुँचाएगी। गुस्ल जो कि एक फ़र्ज है, खैर वो अगर बाहर का आदमी दे देगा गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन जिस रिक्कत और सोज के साथ औलाद अपने मतलब बाप को गुस्ल देगी, या बेटी जिस सोज के साथ माँ को गुस्ल देगी, धर है कि वो बाहर वाले तो नहीं दे सकते ऐसा, अंडरस्टूड है, वो प्रोफेशन है उनका, तो उनका दिल अमूमन सख्त हो ही जाता है आदमी का, इस तरह के लोगों को पता भी नहीं चलता। फी ज़माना, पहले गस्सालों के किस्से मिलते हैं कि जो उनमें रिक्कत होती थी, तो दुनियादारी छा गई, दुनिया हमारे ऊपर मुसल्लत हुई, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो ये बहुत प्यारी तरगीब अभी चली रही थी, तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन को भी अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जामियतुल मदीना जो दावत इस्लामी के आलिम बनाने के जो इदारे हैं, उसमें बापा ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि काश हर घर में कम से कम एक आलिम दीन हो। और आखिर में पेश किया गया सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan is the month in which we sent the Quran as guidance to mankind with clear proofs of guidance and criterion. Bula lo phir mujhe aisha بحرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں اجارہ is an employment. Now if your superior, your supervisor جی جی under whom you work, mm. if he pushes you
to fulfill the conditions of employment. That you must fulfill the conditions that you have agreed upon in order to make your sustenance halal. MashaAllah. So how should we behave? Should you hate that person? Okay. Should you plot against that person? Okay. Should you think bad in your heart about that person? Or should you thank that person? So Amir Ahle Sunnat said you must thank that person. Okay, mashallah. Because he's helping you to earn halal rizq. MashaAllah. Which will be beneficial and full of blessings and barakah for you, for your family. MashaAllah. It will be helpful for your ibadat. MashaAllah. And of course, especially for the hereafter. Alhamdulillah Azawajal. Amir al-Sunnat Shaykh of Tariqat Damat Barakat Hum al-Aliyah, he's giving us this mindset that this is what it means to be successful by following the Sunnah lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is the best lifestyle. Because Nabi sallallahu alayhi wa sallam is the best of creation. And we should follow in this direction as well. If we desire success, real success in dunya, in the grave and the hereafter. Higher learning. So Darul Uloom or Jamia is an institution where you study higher sciences in Islamic studies. What is the fee structure of this institution? Yeah, fees. That's a good news. That in Jamia there is no fees. There is no fees. Altogether. So, wonderful. I mean, duniyavi line mein. Ji ji. Ek to dakhle badi mushkil se milte. Then, if you are enrolled, then dusri problems hai. Feesein bharni hai. Hostel mein rehna hai. You know, expenses for hostel is separate. Books ki, wo keemte, wo khareedni hai. Isse big headache for parents.